पापा मुझे डेट करने नहीं देते। नहीं नहीं मैं उनके सामने नाचने की जरूरत ही नहीं करूंगी, थोड़ी ना ऐसे। क्या ऐसा क्या जादू किया है आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने I'm just I guess it's just the fact that we're all Maharashtrian and we can talk in Marathi. Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the very gorgeous, talented, creative Sai Manjrekar. Hi Sai. Thank you so much. How Hello. are you? I am good. How are you? सब बढ़िया यार। सबसे पहले तो मैं आपके ना ड्रेस से स्टार्ट करूंगी, दी आउटफिट यू आर वेयरिंग टुडे, उस पे से जो आपने ये गोल्ड का ये पहना है, ये पायल। यस आई मीन हाउ डिड इट कम टू योर माइंड? कैसे? It didn't actually. I had worn an outfit with which the pile was going. तो मैंने पहन लिया था और फिर मुझे इतना अच्छा लगा मैंने निकाला ही नहीं। तो Tell me अभी when एक you were वीक wearing this से, with your dress. हाँ जी, तो एक वीक से ये ऐसे ही है। So I want to keep it. I really like it. I like it when I walk, people can hear me. How do you see when you जब post करते हो आप कोई picture अपने Instagram पे, ठीक है, तो people start writing there, love you यार, मुझसे शादी करोगी, मुझसे date करोगी, मुझ सब ऐसे messages देखते हो आप? हाँ जी, देखती हूँ। क्या कैसे reaction आता है? बहुत वैलिडेटेड लगता है कि ऐसे है लोग जो इंतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और बहुत ही अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम यू नो दैट दैट्स नॉट एक्चुअली गोइंग टू हैपन, बिकॉज़ यू डोंट नो देम टू गेट मैरिड और डेट देम, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। करेक्ट। यू नो दबंग 3 से अब तक औरों में कहाँ दम था? आई सी यू हैव इवॉल्व सो मच। आप थैंक कैसे यू। देखते हैं इस जर्नी को यार? I see it as baby steps. I see it as something that, you know, has grown over the years. I feel different from then to now as a person, as an actor. I've gained a lot of life experience, a lot of experience in the films, and I think wo experience add up hoke is kind of culminated into the kind of person that I am today, the kind of artist that I am today. And मुझे वही करना है, मुझे experiences collect करते जाना है और उसी तरह आई वॉन्ट टू ग्रो। बट कब ये दिमाग में आया कि यार मुझे एक्टिंग ही चूज करना है एज अपना करियर? क्योंकि योर डैड इज अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई इट वाज द माहौल, यू नो, फिल्म का थिंग ना। नॉट रियली। इन फैक्ट व्हेन आई वाज रियली लिटिल मुझे बिल्कुल नहीं करना था, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी थी। व्हेन आई वाज 8 आई डिड अ फिल्म विद डैड कॉल्ड काकस वर्ष। तब आई फेल लाइक यू नो आई वांट टू डू समथिंग ऑन अ सेट, और उसके बाद इट वाज समवेयर इन माय सबकॉन्शियस। पर मैं इतनी पढ़ाई में लग गई थी, मैं बहुत नर्डी बच्ची थी, मैं पढ़ाई में इतनी लग गई थी कि वो काइंड ऑफ बैक सीट पे चला गया था। एंड इन द 11th grade आई टुक अप थिएटर इन स्कूल एज अ सब्जेक्ट, और मुझे इतना मज़ा आया, और यू नो आई फेल लाइक दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी एंड दिस इज़ वेयर आई नीड टू बी। तो तब मैंने मॉम डैड को बोला था 11th grade में कि मुझे एक्टिंग करनी है, गैप ईयर लेना है, 12th के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं एक साल ट्राई करूँगी फिर मैं जाऊँगी। देन दे बोले हाँ वी सी दैट, यू नो, तब का तब देखेंगे, अभी की उस ड्रेस देना। और उसके एक महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि मुझे दबंग के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो वॉज लाइक गॉड्स प्लान। वाह। तो फिर जब जब आपने दबंग के लिए आपको कंसिडर किया जा रहा था, तो आपने पहले दो दबंग देखे थे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। पहले में तो मेरे डैड थे, तो आई वॉच दैट वन, एंड द सेकेंड वन आई थिंक लेगेसी फिल्म आई हैव टू वॉच। मैंने फर्स्ट किया था कि मुझे मेन एक्ट्रेस के लीड मुझे ही करना, या कभी डैड को बोला था कि मुझे ही ले लेना आप नेक्स्ट जब दबंग बनाओ? नहीं, आई एम एक्चुअली नॉट अ वेरी ओपन पर्सन टू आस्क फॉर थिंग्स। आई डोंट आस्क फॉर थिंग्स टू पीपल अराउंड मी, आस्क फॉर थिंग्स टू गॉड, एंड आई टेल गॉड कि यू नो इफ यू थिंक दिस इज राइट फॉर मी, गिव इट टू मी। तो ऐसे हो जाता है मेरा। बट यू नो जब सलमान खान के साथ आपने दबंग 3 किया, तो यू वर सो श्योर कि यार मुझे दबंग 1 भी देखा है, दबंग 2 भी देखा है, तो मैं क्या ऑडियंस के उस पे आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, वो था एक बार भी? उतना अवेयरनेस ही नहीं था मुझे उस वक्त। आई थिंक आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, यू नो, कि मैं स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल इन टू फिल्म गई थी। तो आई वॉज टू अनअवेयर एट दैट पॉइंट टू इवन थिंक अबाउट वॉट कुड गो रॉन्ग, वॉट कुड गो राइट। मुझे बस पता था दैट आई एम डूइंग अ फिल्म विद माई फेवरेट एक्टर, एंड आई ड्रीम्ड ऑफ डूइंग अ फिल्म फॉर सो लॉन्ग, एंड आई वॉज जस्ट एंजॉयिंग। बट यू नो व्हेन यू आर अ डॉटर ऑफ अ डायरेक्टर, तो प्रेशर भी रहता है, यू नो, करेक्ट। तो वो कैसे डील कर रही थी आप कि यार मुझे तो ऑलमोस्ट सारे लोग मुझे देखना चाहते हैं अब, आई एम जस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर लॉन्चिंग दैट टाइम, ठीक है, तो एक प्रेशर भी होता है कि यार पता नहीं मैं ऑडियंस के मुताबिक खड़े उतर पाऊँगी या नहीं उतर पाऊँगी? तो आई थिंक दैट प्रेशर वॉज कि मुझे यू नो आई वॉन्ट मेक माई मॉम एंड डैड प्राउड, आई डोंट वॉन्ट टू एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ
कि उनको कभी मेरी वजह से सुनना पड़े. एंड वही करती आ रही हूँ. आई थिंक इट्स जस्ट दैट्स द गोल, दैट्स द एम इन लाइफ, जस्ट टू मेक देम प्राउड. एंड नाउ विद द चॉइसेस ऑफ फिल्म्स, एवरीथिंग दैट आई डू, दैट्स द फर्स्ट गोल इन माइंड. आई वांट टू रीच अ प्लेस वेयर दे कैन होल्ड देयर हेड अप हाई एंड यू नो सी आई एम देयर डॉटर. करेक्ट. यू नो जब आप ये फिल्म औरों में कहाँ के लिए काम कर रही थी, तब्बू में आपके साथ ऑलरेडी महेश्वर काम कर चुके हैं पहले, तो और जहाँ पे लिखा भी रहता है कि सई इज एन एक्ट्रेस ऑफ दिस फिल्म, गूगल पे लिखा आ रहा है. हाँ पहले लिखा नहीं, उसने गूगल पे लिखा था कि आई एडिटेड ऑन द फिल्म, बट आई वाज 2 इयर्स ओल्ड और आई वाजंट इवन बोर्न. डिपेंड, समवन सेड आई एडिटेड ऑन वास्तव, समवन सेड आई एडिटेड ऑन अस्तित्व. आई वाज लाइक 1, तो आई वाजंट बोर्न 1, आई वाज 2 इयर्स ओल्ड. आई डोंट नो हाउ आई हैव बीन एडिटिंग ऑन अस्तित्व में. इट वाज रिटन आई गेस एडी, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल अनलेस आई वाज 2 इयर्स ओल्ड एंड गिविंग अ क्लैप. एग्जैक्टली. But no. You might be mamma ke god pe honge aap us time ko, mostly. So now it has turned, you know, now you are also working with Tabu Maps. Yeah. तो वो कैसा था एकदम रिलीव करना मोमेंट? आई थिंक वॉज अमेजिंग. वो एक फुल सर्किल आया क्योंकि बचपन से आज तक मेरे घर में तबू मैम्स अ फैन फेवरेट, वो सबकी फेवरेट एक्ट्रेस है. तो इतनी उनकी फिल्में देखी है, इतना उनके बारे में बात की है, उनके परफॉर्मेंसेज के बारे में बात की है. माई डैड वुड टेल मी ये परफॉर्मेंस देखो उनका, इतना अच्छा है. तो आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड इन टू दिस, बिकॉज इतनी बातें होती थी उनके बारे में. सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो डू दिस दिस पार्ट. कोई वियर्ड र्यूमर्स सुना है अपने बारे में आज तक? बहुत सुने हैं. तो उनमें सबसे ज़्यादा वियर्ड कौन सा लगा? सब पापा मुझे डेट करने नहीं देते, आई एम डेटिंग दिस वन, आई एम डेटिंग दैट वन, आई एम डेटिंग सम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन. आई एम जस्ट लाइक, बट आई एम नॉट डेटिंग एनीवन. सो आई डोंट नो वेयर दीज रूमर्स आर इवन कमिंग फ्रॉम. तो क्या है स्टेटस? ऐसे कभी किसी पे सेलिब्रिटी क्रश भी नहीं हुआ? हाँ हुआ है, बट लाइक दैट्स क्रश इज फ्लीटिंग ना. क्रश होके पिक्चर खत्म होने के बाद मेरा चला जाता है. मुझे कैरेक्टर्स भी क्रश होने लगता है ना, तो आई एम लिटिल वियर्ड दैट वे. बट नो, माई स्टेटस इज राइट नाउ आई एम कमिटेड टू माई वर्क एंड आई डोंट वॉन्ट टू. Dedicated to the work. Yeah. है ना? I don't want to put an energy anywhere. But इस पे क्या ठीक है आपके? You know, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने there is a change on the national crush. ये national crush है, ये national crush है, ये national crush है. Correct. At that point in time, the nation likes this person. I think it's normal. Like, you can keep having different crushes, and I think it's really nice because so much more exposure. You know, when that happens and so much more love comes your way, and I think it's lovely. Mm-hmm. But paparazzi ki to favorite hai aap. Sab mujhe ye kyun bol rahe hai? Oh my god. Kya aisa kya jadoo kiya hai aapne inse? Maine kuch nahi kiya. I swear, I'm just, I guess it's just the fact that we're all Maharashtrians and we can talk in Marathi. Haan. And you know, converse, and it just immediately feels like home. So I think utna hi hai. I don't think it's, I don't know. I mean, I'm really glad that people are saying that. I like being people's favorites. I mean, main sabko bolti hu. बट क्या आपको भी अप्रोच करना पड़ता है रोल्स के लिए या फिर रोल्स आपके पास आते हैं? डिपेंड्स मूवी टू मूवी. लाइक विद औरों में कहा जम था, द कास्टिंग एजेंसी कॉल्ड एंड सेड कम टेस्ट फॉर इट, एंड आई वेंट एंड टेस्टेड फॉर इट, वेटेड फॉर इट, इट हैपेंड. देयर आर सम फिल्म्स दैट कम टू यू एंड यू नो दे थिंक अबाउट यू एंड दे थिंक यू फिट द पार्ट, एंड वो आपके पास आ जाती है. यू लाइक देम, यू डू देम. देयर सम फिल्म दैट यू हियर आर बीइंग मेड एंड देन यू कॉल द मेकर्स एंड से प्लीज कंसीडर मी. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल. हाउ वाज वर्किंग विद शांतनु यार? इट वाज अमेजिंग. आई थिंक ही इज सच अ स्वीट पर्सन. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी दिस क्वेश्चन टुडे. आई थिंक ही इज सच अ स्वीट पर्सन एंड यू नो इट वाज सच अ ब्लास्ट वर्किंग विद हिम. एंड वो मैं बात बहुत करती हूँ लाइफ में, पूरा टाइम चप्पर चप्पर चप्पर, आई एम लाइक वर्ड वॉमिट. So he used to listen to me very sweetly and very kindly. He used to take all that, and I'd just like to say that I'm really glad that I found a friend in him. Mm-hmm. Dance on sikhaya unhone? Nahi nahi, main unke samne nachne ki zarurat hi nahi karungi, thodi na aise. But wo generally kya karte hai na, sabko dance sikhate rehte hai, set pe bhi ho gaya. Sachi? Haan. I'll take it up with him. Very good dancer. That I know. Which is why I won't dare to dance in front of him. Haan. Pata chala, he's like, nahi aata isko. I don't want that. So, yeah, no, but next time I meet him, I will take that up with him and learn a step. Hmm. Yeah. You know, reality shows वगैरह की क्या offers आ रहे हैं आपको? तो आप देखो plan किए हो सलमान खान के साथ बिग बॉस वाला कर लेते हैं इस बार कुछ ऐसा? मतलब reality shows के लिए अगर offer आया आपके पास तो you could be gonna go? क्या करना है reality बिग बॉस में?
I mean, I don't know. I think I'm too young to give away that much of my life to everyone, and I'm a very private person. So I really hold on to my people and my personal life very strongly. Like, I have a really hard grip on my personal life, and मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी पता चले. तो आई एम वेरी वेरी लाइक रिजर्व दैट वे. प्रॉब्ली नॉट नाउ, नॉट द राइट टाइम फॉर मी. बट देखती हैं आप बिग बॉस? देखती थी, अभी टाइम नहीं मिलता, तो आई थिंक आई वॉच ये व्हेन आई गेट द टाइम. और यू वॉच जस्ट द संडे एपिसोड्स और सैटरडे एपिसोड्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ सलमान खान? आई मीन नाउ व्हेन इट स्टार्ट्स अगेन आई विल. सो विल क्विकली प्ले अ गेम. हाँ जी. सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई टेक सच नेम्स, द एक्टर्स नेम्स? ठीक ओके. है. सो फर्स्ट नेम इज सोनाक्षी सिन्हा. ओ पटाका. महेश मांजरेकर. डैड. पापा. अजय देवगन. काम. रणबीर कपूर. बनी. शांतनु महेश्वरी. मस्ती. सलमान खान. फेवरेट. तब्बू मैम. इंस्पायरिंग. सोनाली बेंद्रे. ब्यूटिफुल. राहा. सो क्यूट. जे. सो क्यूट. बेबीज आर सो क्यूट. आई लव बेबीज. ओके. द लास्ट वन आलिया भट्ट. इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो टॉकिंग मच. टू मी. आई विश यू गुड लक. थैंक आने यू वाले सो टाइम पे मच. वैसे कहाँ कहाँ दिखेंगे आप हमें? होपफुली मूवी थिएटर्स में. हाँ कोई मूवी साइन करा है? जी. कर हाँ लिया है जी. मतलब आ रही हैं आप? थैंक बट गुड लक फॉर योर फ्यूचर. यू. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. थैंक यू. हाई, आई एम साई मांजरेकर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ.